दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से परचेज ऑर्डर की एंट्री अपने टेली प्राइम के अंदर पास कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किस तरीके से रिजेक्शन आउट कर सकते हैं और गुड्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑर्डर की। मान लीजिए अगर आपके पास किसी तरीके का कोई ऑर्डर आता है तो आप अपने टेली प्राइम के अंदर किस तरीके से उस एंट्री को पास करेंगे, इसके अलावा आप उसके अंदर प्री क्लोज किस तरीके से करेंगे, और सामने वाली पार्टी अगर आपको किसी गुड्स को रिटर्न कर देती है यानी रिजेक्ट कर देती है तो आप उसकी एंट्री किस तरीके से अपने टेली प्राइम के अंदर पास करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से सेल का बिल यहाँ पर तैयार करेंगे और सामने वाली पार्टी से किस तरीके से पेमेंट को रिसीव करेंगे। तो आइए जानते हैं, हम एक एक करके सभी प्रोसेस को यहाँ पर कम्प्लीटली सीखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेल ऑर्डर की एंट्री पास करने से पहले मैं आपको एक बार स्टॉक दिखा देना चाहूँगा। हम स्टॉक समरी पर जाकर के जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर आईफोन 14 प्रो मैक्स की 80 क्वांटिटीज अवेलेबल है, और मान लीजिए हमारे पास जो ऑर्डर आया है वो भी 80 पीस का ही ऑर्डर आया है। तो आप किस तरीके से अपने टेली प्राइम के अंदर सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास करेंगे आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्कैप करके बाहर आएंगे और यहाँ से हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस कर सकते हैं, या तो फिर राइट साइड में आपको अदर्स वाउचर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर शो इन एक्टिव का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी इनएक्टिव वाउचर्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करना है सेल्स ऑर्डर को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सेल ऑर्डर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको एक बार इस पर एंटर प्रेस करना है। जैसे आप यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन आएगा, यहां पर आपको इसे यस पर क्लिक कर देना है। यस करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर सेल ऑर्डर की विंडो ओपन हो जाएगी, और यहां पर आपको अपनी पार्टी का एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो मान लीजिए हम यहां पर अपनी एक पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं, हम यहां पर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहां पर किसी भी एक पार्टी का नाम का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर टाइप कर देते हैं कमल इंडस्ट्रीज, और इसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल देते हैं सिमट्री डेबिटर के। इतना करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्टेट हमें दिखाई देगा। हम सेम स्टेट को सिलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर यहाँ पर आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम रेगुलर रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें अपनी पार्टी का GST नंबर टाइप करना होगा। तो हम फटाफट यहाँ पर GST नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रेंडमली एक GST नंबर फिल कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सेट अल्टर GST एडिशनल डिटेल, तो यहाँ पर फिलहाल हम इसे नो रखते हुए एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स के ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल्स फिल कर लेनी है। जैसे इसमें सबसे पहली डिटेल आपसे पूछी जा रही है कि आपकी जो मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट होगी वो क्या होगी, तो हम यहाँ पर कैश को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद अदर रेफरेंस में हम यहाँ पर बैंक को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी यानी सामान की डिलीवरी कितने दिनों में सामने वाली पार्टी को हमें देनी है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए 30 डेज को रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस किया। डिस्पैच थ्रू यानी किस चीज़ के थ्रू हमारा जो गुड्स है वो यहाँ पर डिलीवर होगा, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं ट्रक। ट्रक रखते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद डेस्टिनेशन हमसे पूछा जा रहा है, तो हम मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं संत नगर और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरियर एजेंट नेम आपसे मांगा जा रहा है यानी कौन सा पर्सन सामान को लेकर जाएगा, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं अमन कुमार और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। बिल लैंडिंग नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर डेट देते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। मोटर व्हीकल नंबर डाल देते हैं, तो यहाँ पर कौन सी गाड़ी आपके सामान को लेकर जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो हम यहाँ पर रेंडमली कोई भी एक नंबर टाइप कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको पार्टी डिटेल्स में एंटर करके सभी डिटेल्स को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑर्डर नंबर 1 दिखाई देगा, तो यहाँ पर फिलहाल आपको ऑर्डर नंबर 1 ही रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको सेल लेजर में एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा, तो या तो आप यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और या तो फिर ऑल्ट सी करके यहाँ पर डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेल्स का एक लेजर क्रिएट करने वाले हैं।
और उसके बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे, इसे अंडर ऑफ डालेंगे सेल्स अकाउंट के और यहाँ पर एंटर एंटर करके यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी एप्लीकेबल का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको इसे अवेलेबल रहने देना है और बाकी की डिटेल को आपको यहाँ पर एज पर कंपनी ग्रुप को रखते हुए यहाँ पर इसे सेव कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पर आपको सर्विस की जगह गुड्स रखना है और यहाँ पर आपको एंटर एंटर करके इसे सेव कर देना है। इन सभी डिटेल्स के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यानी परचेज ऑर्डर की वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से इसके बारे में जान सकते हैं कि इन सभी चीज़ों का मतलब क्या होता है। हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो आइटम है वो हम यहाँ पर ऑर्डर के लिए सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्पेस प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो क्वांटिटी यानी आइटम की क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको आइटम को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालनी है, यानी कितने पीस का आपके पास ऑर्डर आया है उतना ऑर्डर की क्वांटिटी आप यहाँ पर डालेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास जो ऑर्डर आया है वो 80 पीस का ही ऑर्डर आया है, तो हम यहाँ पर 80 डालते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप अपना रेट डालेंगे कि आप एक पीस को कितने रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हम अमाउंट डाल लेते हैं लाइक 1,20,000 रुपये और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट इसका इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर जीएसटी को ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेबल रख रखा है, जो कि एज पर मास्टर कंपनी के हिसाब से हम यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी हम इसे एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको परचेज ऑर्डर की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें हमने इसे कॉन्फ़िगर करके बताया है कि आप किस तरीके से जीएसटी को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप यहाँ पर और भी किसी आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके आइटम क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम एक ही आइटम रखेंगे। हम यहाँ पर एक बार और एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर वापस से स्पेस दबाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने सी जीएसटी और यूटी जीएसटी का जो लेजर है वो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इसे परचेज ऑर्डर में बना लिया था। तो हम यहाँ पर इसी को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आप सी जीएसटी का लेजर क्रिएट करते हैं तो वो अंडर ऑफ किसके अंदर जाता है। तो यहाँ पर आप सी जीएसटी को अंडर ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डालेंगे। यहाँ से आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको सी जीएसटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेशन के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, राउंडिंग मेथड आपको कुछ भी नहीं रखना, नॉट एप्लीकेबल रखना और उसके बाद यहाँ पर एंटर एंटर करके इसको यहाँ पर सेव कर देना है। आप देख सकते हैं आपका सी जीएसटी यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपको स्पेस दबाना है और वापस से यहाँ पर स्पेस दबा करके आपको यहाँ पर यूटी जीएसटी को सेलेक्ट कर लेना है। तो यूटी जीएसटी भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूंगा। सेम हमें यूटी जीएसटी को ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखते हुए यहाँ पर जीएसटी के अंदर रखते हुए एस जीएसटी और यूटी जीएसटी को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसे एंटर एंटर करके सेव कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर टैक्सेशन पार्ट यहाँ पर लग चुका है, यानी आप देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पर टोटल सेल का ऑर्डर आया है वो 1,13,28,000 रुपए का यहाँ पर ऑर्डर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करके नरेशन आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सेल्स ऑर्डर का जो प्रोसेस था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं डिलीवरी नोट्स की, यानी कि अब हम सामान की डिलीवरी करेंगे। हमारे पास जो ऑर्डर आया है वो 80 पीस का ऑर्डर आया है और हम यहाँ पर जो सामान की डिलीवरी करने वाले हैं वो केवल 70 पीस की डिलीवरी करने वाले हैं। मान लीजिए हम 10 पीस को अभी अपने पास रखना चाहते हैं किसी और पार्टी के लिए, तो हम यहाँ पर केवल 70 पीस ही सामने वाली पार्टी को डिलीवर करेंगे। तो डिलीवरी नोट करने के लिए आपको यहाँ पर वापस से F10 प्रेस करना है या तो आपको अदर वाउचर्स पर क्लिक करना है। यहां से आपको शो इन एक्टिव पर वापस से क्लिक करना है और यहां पर आपको डिलीवरी नोट को सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं डिलीवरी नोट अभी यहां पर हाइड है क्योंकि अभी तक हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम यहां पर एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आपको यहां पर इसे एक्टिवेट करने के लिए वापस से एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद जैसे आप यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी पार्टी यहां पर आपको दिखाई देगी, जो कि है कमल इंडस्ट्रीज। हम यहाँ पर कमल इंडस्ट्रीज को सेलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर नंबर था हम अपने ऑर्डर नंबर को वापस से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ पर केवल एंटर एंटर प्रेस करना है। आप देख सकते हैं हमारी पूरी डिटेल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फिलफिल हो चुकी है। हमें केवल यहाँ पर एंटर एंटर प्रेस करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स का लेजर ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमारा आईफोन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ध्यान रहे जो क्वांटिटी है यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 80 की जगह 70 पीस डालने वाले हैं और उसके बाद 70 पीस हम यहाँ पर सामने वाली पार्टी को डिलीवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एंट्री कम्प्लीटली यहाँ पर पास हो चुकी है। यहाँ पर हम ईवे बिल को जनरेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे नो रखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अपना नरेशन फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 70 पीस सामने वाली
पार्टी को डिलीवर कर दिया है। इसके बाद हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर ईवे बिल के लिए आपको नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, तो हम इसे फिलहाल नो रखेंगे और यहाँ पर इस एंट्री को सेव कर देंगे। इसके बाद हम स्कैप करके एक बार बाहर आते हैं और वापस से अपने डैशबोर्ड के ऊपर जा करके इसको एक बार चेकआउट करते हैं। तो डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल अकाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा जो बिल है वो अभी पेंडिंग में है। अभी हमारे पास केवल गुड्स का ऑर्डर आया और हमने सामान को डिलीवर किया, यानी पूरी तरीके से अभी हमने गुड्स को यहाँ पर सेल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 70 पीस यहाँ पर डिलीवर हो चुका है। बाकी के बचे 10 पीस को मान लीजिए सामने वाली पार्टी कहती है कि अब मुझे नहीं चाहिए, तो उस पार्टी ने अपनी तरफ से उसे प्री क्लोज कर दिया है। अगर उस पार्टी ने अपनी तरफ से उसे प्री क्लोज किया है तो हमें भी अपने पास से यहाँ पर उसे प्री क्लोज करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो रिकॉर्ड रहेगा केवल 70 पीस का ही रहेगा। तो हम किस तरीके से प्री क्लोज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ से हमें जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेल्स ऑर्डर आउटर स्टैंडिंग, इसके अंदर जाते हुए आपको यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स को सेलेक्ट करना है। ऑल ऑर्डर्स को जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो ऑर्डर क्वांटिटी थी वो यहाँ पर 80 पीसेस की थी। इसके बाद आप देख सकते हैं बैलेंस क्वांटिटी आपको यहाँ पर 10 पीसेस यानी 10 नोज आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर हम 10 पीस को यहाँ से प्री क्लोज करना चाहते हैं तो हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। जैसे हम यहाँ पर ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं प्री क्लोज क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर 10 पीसेस को डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप अपना रीजन दे सकते हैं कि आप इसको प्री क्लोज किस वजह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रीजन अपना अदर्स लिखते हुए इस एंट्री को यहाँ पर सेव कर देंगे। ध्यान रहे यहाँ पर जैसे ही आप इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी जो एंट्री है वो यहाँ से गायब हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसे एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं हमारी एंट्री यहाँ से हट चुकी है। अब हमारे पास जो ऑर्डर की क्वांटिटी है वो केवल 70 पीसेस की है। तो स्कैप करके हम वापस यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा हमारे पास 80 आईफोन का ऑर्डर आया, जिसमें कि हमने सामने वाली पार्टी को 70 पीस डिलीवर कर दिया। इसके बाद 10 पीस को हमने यहाँ पर प्री क्लोज कर दिया। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने 10 पीस यहाँ से रिजेक्ट कर दिया उसमें किसी कमी की वजह से, तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से अपने टेली प्राइम के अंदर पास करेंगे रिजेक्शन इन के अंदर। और उसके बाद मान लीजिए उसके अलावा यानी उस 10 पीस के अलावा हम दूसरे 10 पीस सामने वाली पार्टी को किस तरीके से डिलीवर करने वाले हैं, और उसके बाद हम टोटल 70 पीस की किस तरीके से एक ही बिल के अंदर एंट्री पास करेंगे, और इसके बाद हम किस तरीके से सामने वाली पार्टी से टोटल अमाउंट को रिसीव करेंगे, आइए जानते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने किसी रीजन की वजह से हमारे 10 पीस को रिजेक्ट कर दिया है, यानी किसी भी फॉल्ट की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो रिजेक्शन इन की एंट्री हम किस तरीके से पास करेंगे आइए जानते हैं। उसके लिए आपको जाना है यहाँ से वाउचर्स के अंदर, और यहाँ पर आपको F10 प्रेस करना है, या तो फिर आप यहाँ पर अदर वाउचर्स को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से आपको शो इन एक्टिव को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है रिजेक्शन इन। तो यहाँ देख सकते हैं आपको रिजेक्शन इन आपको दिखाई दे जाएगा जो कि इनएक्टिव है, इसको भी आप एंटर एंटर करके यहाँ पर एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस प्रेस करते हुए सामने वाली पार्टी को सेलेक्ट करना है, यानी कमल इंडस्ट्रीज का ऑर्डर हमारे पास आया था, तो हम यहाँ पर कमल को सेलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे नेम ऑफ आइटम्स में, और यहाँ पर भी हमें स्पेस दबाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो 10 पीस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने 70 पीस वहाँ पर डिलीवर किया था, 10 पीस हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ था, और यहाँ पर अब हमारे पास 10 पीस वापस से रिटर्न आने वाला है। तो हम यहाँ पर इसी आइटम को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम 70 को हटा करके 10 पीस डालेंगे और यहाँ पर एंटर करके इस एंट्री को यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास अभी प्रेजेंट में क्वांटिटी कितनी है। तो स्कैप करके हम यहाँ पर बाहर आएंगे, यहाँ से जाएंगे स्टॉक समरी के अंदर, एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो यहाँ पर 20 नोज की आपको दिखाई दे रही है। तो 10 पीस हमने भेजा ही नहीं था और 10 पीस सामने वाली पार्टी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, यानी हमारी पीस को रिजेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए हम इस 10 पीस के बदले दूसरे 10 पीस सामने वाली पार्टी को डिलीवर कर रहे हैं, कि हम उसे सेल जो कर रहे हैं टोटल 70 पीस का ही सेल करना चाहते हैं, तो 10 पीस को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी 10 पीस हम अपनी तरफ से दोबारा से उसे डिलीवर कर रहे हैं। तो डिलीवरी की एंट्री वापस से आपको पास करनी होगी, कैसे पास करते हैं आइए जानते हैं। वापस से आपको स्कैप करके वाउचर्स के अंदर आ जाना है, और यहां पर आपको प्रेस करना है F10, या तो फिर आप यहां पर अदर वाउचर को सेलेक्ट करते हुए यहां पर आपको डिलीवरी नोड को सेलेक्ट कर लेना है। डिलीवरी नोड को सेलेक्ट करते हुए यहां पर आपको एंटर प्रेस करना है, पार्टी को वापस से सेलेक्ट करना है, ऑर्डर नंबर को सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं आपकी पूरी डिटेल्स वापस से यहां पर फुलफिल हो चुकी है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो यहां पर आप इसे चेंज कर
कर सकते हैं। यहां से अगर आप चाहें तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर आपको एंटर प्रेस करके इस एंट्री को यहां पर पास करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 10 पीस को हम यहां पर वापस से डिलीवर कर रहे हैं। एंटर करके हम इस एंट्री को यहां पर पास कर रहे हैं। तो यहां पर आपको जीएसटी ईवे बिल को यहां पर नो रखते हुए यहां पर हम इस एंट्री को पास कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ईवे बिल का फिर से नोटिफिकेशन आ गया, हमने इसे नो रखते हुए एंट्री को यहां पर पास कर दिया है। अब हम स्कैप करके बाहर आते हैं और फिर से यहां से स्टॉक समरी को हम चेक करते हैं। तो स्टॉक समरी को चेक करते हुए हम यहां पर देख सकते हैं हमारे पास यहां पर 10 नोज आपको दिखाई दे रहा है, यानी 10 पीस हमारे पास जो रिटर्न हमारे पास गुड्स आया था वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए हम टोटल 70 के 70 पीस का यहां पर बिल बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम स्कैप करके बाहर आएंगे, वाउचर्स पर जाएंगे और वाउचर्स पर जाने के बाद यहां पर आपको सेल करने के लिए F8 प्रेस करना है। जैसे आप यहां पर F8 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर सेल वाउचर की विंडो ओपन हो जाएगी और उसके बाद आपको यहां पर अपनी पार्टी को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको दो ट्रैकिंग नंबर दिखाई देंगे, जिसमें एक ट्रैकिंग नंबर आपका 60 पीस का है और एक ट्रैकिंग नंबर आपका 10 पीस का है। तो हम सबसे पहले वाले ट्रैकिंग नंबर को यहां पर सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आप यहां पर पार्टी डिटेल को भी एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए सेव कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पहला ट्रैकिंग नंबर था वो यहाँ पर 60 पीस का था, हम इसे यहाँ पर एंटर प्रेस करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ ही हम यहाँ पर दूसरे ट्रैकिंग नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा 10 पीस का है। तो 60 और 10 टोटल हमारी जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 70 नोज की हमारी टोटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो जाएगी हमारे सामने। यहाँ पर हम इसे एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इस एंट्री को यहाँ पर पास करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी टोटल क्वांटिटी 70 नोज की है, रेट आपके सामने है और यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर ईवे बिल को वापस से आपको नो रखते हुए एंट्री को यहाँ पर सेव कर देना है न्यू रेफरेंस के अंदर रखते हुए। अगर आप यहाँ पर ड्यू डेट भी कोई देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी ड्यू डेट नहीं देना चाहते हैं, हम इसे एंटर करके आप इसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नरेशन देना चाहें तो यहाँ पर आप नरेशन दे सकते हैं, हम इसे एंट्री को यहाँ पर विदाउट नरेशन सेव करने वाले हैं और यहाँ पर ईवे बिल को वापस से नो कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सेल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको स्कैप करके एक बार बाहर ले जा करके डैशबोर्ड दिखाना चाहूँगा। डैशबोर्ड पर जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं परचेज ट्रेंड हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सेल ट्रेंड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेल्स अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और परचेज अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कैश बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पर आपके पास कैश इन हैंड कितना अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको केवल उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है, तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्कैप करके बाहर आएंगे और अब हम सामने वाली पार्टी से अपनी पेमेंट को रिसीव करेंगे, यानी हमारी सेल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से सामने वाली पार्टी से पेमेंट को रिसीव करेंगे, तो उसके लिए हम वापस से वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर F6 आपको प्रेस करना है अमाउंट को रिसीव करने के लिए और यहां से आपको स्पेस दबा करके मोड सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस तरीके से पैसा लेना चाह रहे हैं। अगर आप कैश लेना चाह रहे हैं तो आप यहां पर कैश लीजिए और अगर आप यहां पर बैंक के माध्यम से पैसा लेना चाहते हैं तो यहां से आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाकर के आप किसी भी बैंक का लेजर यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहां पर कैश के माध्यम से पेमेंट को रिसीव करने वाले हैं। एंटर प्रेस करते ही आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी कैश 99,11,000 रुपए आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हम स्पेस दबा करके अपनी पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने कमल इंडस्ट्रीज को यहां पर सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर उससे कितना पैसा लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फुल पेमेंट इससे रिसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 99,12,000 रुपए यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर हमें अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। बिल नंबर आपको दिखाई देगा, जो बिल पेंडिंग है उसकी आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम इस बिल को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो कैश अमाउंट था वो यहाँ पर पहले के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो चुका है और कमल इंडस्ट्रीज का यहाँ पर जो क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पर जीरो हो चुका है, यानी हमारे पास टोटल पैसा रिसीव हो चुका है। हम यहाँ पर इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों स्कैप करने के बाद हम यहां से आएंगे अपने डैशबोर्ड पर और यहां पर आप देख सकते हैं हमारा सेल ट्रेंड आपको यहां पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारा परचेज ट्रेंड भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो सेल ट्रेंड में जाकर के जैसे हम यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने यहां पर कोई भी एंट्री नहीं दिखाई दे रही है। तो यहां पर हम F2 प्रेस करके यहां पर स्पेस दबाएंगे और यहां पर एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस थी वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने टोटल कितना अमाउंट का सेल किया है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप ट्रेंडिंग डिटेल्स में सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेली प्राइम के अंदर सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।